मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और अगर आप एक इग्नू स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इग्नू में स्टूडेंट्स को यही आइडिया नहीं होता कि एग्ज़ाम्स किस तरह आते हैं, उनको अटैम्प्ट किस तरह करना है, उनकी प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटीरियल कहाँ से कलेक्ट करें, कौन सी बुक का यूज़ करें। तो ये सारी गाइडेंस, ये सारी टिप्स मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या होता है इग्नू का। एग्ज़ाम फॉर्मेट, तो बेसिकली जो आपका एग्ज़ाम्स आता है, कितने मार्क्स का आता है इग्नू के अंदर, वो आता है 75 मार्क्स का, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है 70 मार्क्स के अंदर। ओके, कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके इग्नू के अंदर, टोटल 5 to 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8 and 9। तो टोटल आपको 8 से 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं पेपर के अंदर, उनमें से आपको कोई 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और पर क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो होती है 15 मार्क्स ईच क्वेश्चन। अब ये तो बात हो गई कि इग्नू के अंदर तो एग्ज़ाम आता किस तरीके से है। अब हम ये देखते हैं कि अब एग्ज़ाम जो आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आता है, और हमारे पास क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। जैसे मैंने आपको बताया टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 15 मार्क्स। अब इग्नू में क्या होता है, आप कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपकी जो बुक होती है इसको ब्लॉक वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। किसमें डिवाइड कर देते हैं, ब्लॉक में। मतलब अगर एक बुक के अंदर कह सकते हैं 20 चैप्टर्स हैं, तो वहाँ पर 4-4 चैप्टर के एक ब्लॉक बनाकर उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। नॉर्मली कोई ब्लॉक बुक होती है तो उसमें नॉर्मल कितने ब्लॉक्स होते हैं, या तो 4 ब्लॉक होंगे या फिर उसके 5 ब्लॉक्स होंगे। अब जितने भी ब्लॉक्स होते हैं हर ब्लॉक की वेटेज बराबर होती है। अगर आपका एग्ज़ाम आपको पता है 75 मार्क्स का आ रहा है और आपकी बुक में 5 ब्लॉक हैं, तो मतलब हर ब्लॉक की वैल्यू क्या हो जाती है, 15 मार्क्स। मतलब हर ब्लॉक से आपके पेपर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है। और अगर आपके पास कह सकते हैं 4 ब्लॉक हैं आपकी बुक के अंदर, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कितना वेटेज बनता है पर ब्लॉक का। अब स्टडी मटेरियल आपके पास क्या क्या अवेलेबल होता है उसकी बात करते हैं। क्या स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इग्नू की ओरिजिनल बुक्स होती हैं, इग्नू ओरिजिनल बुक्स, या तो आप इनका यूज करें अपनी प्रिपरेशन के लिए, और दूसरा ऑप्शन होता है रिफ्रेशर्स। नॉर्मली मार्केट के अंदर बहुत सारी रिफ्रेशर्स अवेलेबल होती हैं जिनको आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं इजीली। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, अगर आप देखो, अगर मैं बात करता हूँ रिफ्रेशर्स की, तो रिफ्रेशर कुछ अलग से उसके अंदर मेंशन नहीं करती, कुछ उनका अलग कंटेंट नहीं होता। वो क्या करते हैं, सेम एज इट इज़ इग्नू की बुक्स को ही कॉपी करते हैं, और इन्हीं के कंटेंट को बस एक फॉर्मेटिंग करके नई उसकी कह सकते हैं उसको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं, और उसी से अपनी रिफ्रेशर्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो 2 ऑप्शन होता है आपके पास, या तो आप इग्नू ओरिजिनल बुक्स को रेफ़र कर लो या रिफ्रेशर्स। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, एक हाई परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर मेरा सजेशन यही आपको कि आप इग्नू की जो ओरिजिनल बुक्स हैं उनको ही रेफ़र करो अपनी प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आपका टारगेट ये है कि सिर्फ आपको पास होना है, तो वहाँ पर आप रिफ्रेशर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेकेंडरी फॉर्म होती है हमारी स्टडी मटीरियल का। अब इसके बाद इग्नू की जो ओरिजिनल बुक्स हैं, इनके 2 फॉर्मेट होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर हमारे पास, हमने हार्ड कॉपी परचेज करी थी बट अभी तक डिलीवर नहीं हो पाई है। तो वहाँ पर क्या होता है, इग्नू ई ज्ञान कोर्स या इग्नू ज्ञान कोर्स, ये इग्नू का ही पोर्टल है जहाँ से आप किसी भी बुक की सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अगर आपके घर में डिलीवर हो गई है तो ठीक है, नहीं तो आप सॉफ्ट कॉपी का यूज़ कर अपने कंटेंट को प्रिपेयर करिए, और रिफ्रेशर तो आपको वैसे ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। अब इसके साथ कई बार होता है कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कि लिमिटेड टाइम है उनके पास, लिमिटेड टाइम, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स जॉब करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वन बाई वन चैप्टर्स को रीड आउट कर सकें। तो वो किस तरह अपने कम से कम टाइम में अपनी एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो देखो इग्नू क्या करता है, रिपीट करता है अपने क्वेश्चंस को। अब एग्जैक्टली ये नहीं कहूँगा कि हर साल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को पूछता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मीनिंग का कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन का, जो मीनिंग होता है क्वेश्चन का, वो सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन को पूछने का नज़रिया बदल देता है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल देता है, बट उसका आंसर सेम ही रहता है। अब आपको ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रीवियस ईयर असाइनमेंट यूज कर लो अपने, क्योंकि आपका जो असाइनमेंट होता है कहीं ना कहीं वो भी एक मॉडल टेस्ट पेपर होता है आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो कम से कम अगर आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है तो उस कंडीशन में आप कम से कम 4 to 5 प्रीवियस ईयर असाइनमेंट्स को कंप्लीट करो, उनको याद कर लो, उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। और अगर आपके पास और भी टाइम है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट 4 to 5। तो ये क्या होता है, क्योंकि इग्नू जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, ये तो है नहीं कि हर साल नया पैटर्न लेके आता है, कहीं ना कहीं इसका पैटर्न पुराना ही है। तो ये कह सकते हैं आप अगर इसके इग्नू के अंदर 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को, अपने असाइनमेंट्स को कवर कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इग्नू हर साल सेम ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, बस उनके पूछने का तरीका बदल देता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरह की आप कम से कम टाइम में इग्नू के अंदर अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही एग्जाम में फोकस करो, जब भी आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर फोकस करो कि पॉइंट्स में आंसर्स को लिखने की, सब पॉइंट्स को बनाओ वहाँ पर, हेडलाइन करो या कह सकते हैं हेडिंग दो, हाईलाइट करो जो भी आपके मेन वर्ड्स हैं, फ्लो चार्ट बनाइए, या आपके जो भी डायग्राम्स बन सकते हैं आप उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो एग्जामिनर को कह सकते हैं कन्वेंस करती हैं कि वो आपको अच्छे अच्छे मार्क्स दे सके। तो प्रिपरेशन के लिए यही आपके पास कुछ बेसिक रूल्स। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास प्रीवियस ईयर असाइनमेंट्स, ये वो फॉर्मेट है जो कह सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है, बुक को नहीं पढ़ सकते, सिर्फ पास होना उनका एम है, तो वो इन दोनों को यूज़ कर इजीली एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छे मार्क्स मिले एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जो इग्नू की बुक्स हैं, इग्नू की जो ओरिजिनल बुक्स आती हैं, आप उन बुक्स को रीड करिए, उन बुक्स का स्टडी करिए, उसके बाद ही आप एक अच्छे मार्क्स इग्नू के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि इन बुक्स के अंदर कहीं ना कहीं एक डीप स्टडी होती है हर टॉपिक के बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में। तो इग्नू किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप वहाँ पर उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप असाइनमेंट करके गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके गए हैं, लेकिन रैंडमली इग्नू ने अपने पैटर्न को बदल दिया, तो वहाँ पर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने इग्नू की ओरिजिनल बुक्स को रीड आउट कर रखा है, उनको पढ़ रखा है, स्टडी कर रखा है, तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आप उसको 100% अटेम्प्ट कर पाओगे। सो आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह आपको प्रिपरेशन करनी है, कहाँ कहाँ से आप स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक आपके रेफरेंस बुक हैं, आपके पास इग्नू का ओरिजिनल कंटेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर हैं, इन सभी का यूज़ कर आप अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम में पास होने के लिए और मोर देन 75 मार्क्स के लिए।
अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।